Hello and welcome back to our channel Shape Up Your Life. Boards. इस नाम से हम इतना डर लगता है या फिर मैं ज़्यादा apt होगा ये कहना कि हमें डरा दिया जाता है इस नाम से. So ये एक requested video है. Mom के channel पे ये videos नहीं बनाते हैं हम related to studies, but then काफ़ी request थी, so I decided कि मैं अपना experience आप लोगों के साथ share करूँ. I'll start with English because English मेरा favorite subject था starting से ही, तो मैं काफ़ी उसके बारे में रिसर्च करके ही करती थी. इंग्लिश में मुझे तो 3 महीने बोर्ड थी नॉवल. आई डोंट नो आपको कौन सी, मे बी हेलन किलर होगी, तो जो भी नॉवल है सेम ही चीज़ें हैं सबके लिए. सो पेपर से पहले आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सारे चैप्टर्स को एलैबोरेटली पढ़ पाओ. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप समरीज तो सारे चैप्टर्स की पढ़ो. डू नॉट स्किप एनी चैप्टर, बिकॉज कई बार क्या होता है कि वो कोई इंस्टेंस उठा लेते हैं एंड दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दैट. तो आपको अच्छा होगा कि आपको सारा वो अच्छे से याद होगा, तभी आप प्रॉपरली उसको लिख पाओगे. करेक्टर स्केचेस, मेरे नॉवल जो था उसके पीछे तो क्वेश्चंस दिए हुए थे ऑलरेडी, करेक्टर स्केचेस वगैरह भी या इंस्टेंसेस के क्वेश्चंस भी, तो आप उनको अच्छे से रीड कर लें ताकि कोई आइडिया हो जाए कि आपको क्या लिखना है. एंड देन पोएट्स के नाम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे जो हमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चंस आते हैं उसमें वो ज़रूर पूछते हैं कि ये इसका पोएट कौन है या इस पोएम का नाम क्या है, तो आपको वो पता होना चाहिए. और एक एडिशनल चीज़ कि ऑथर्स के नाम, ये मेरा पर्सनल है, पर्सनल मेरी टिप है ये कि जैसे जब हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो नॉवल के हों या फिर चाहे वो आपके किसी चैप्टर के क्वेश्चंस हों, तो अगर आप स्टार्टिंग में ऑथर का नाम लिख देंगे कि ये जो चैप्टर है इसके ऑथर ये हैं और इस चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, मतलब इस चैप्टर में ये समझाया गया है, सो वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है. इट इज़ लाइक अ प्लस पॉइंट फॉर योर राइटिंग स्किल. अटेम्प्ट कैसे करेंगे कि वो ज़्यादा इफेक्टिव लगे. अंडरलाइनिंग, देखिए जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम बेसिकली पैराग्राफ्स लिखते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हम पॉइंट्स तो इतने लिखते नहीं हैं, सो इट्स लाइक पैराग्राफ्स. तो आप क्या करें, ये सब आपको पेपर के बाद करना है, बिकॉज जो अंडरलाइनिंग पोर्शन है मतलब वो प्रेजेंटेशन के लिए है सिर्फ, तो अगर आप उस पर स्टार्टिंग में ही टाइम वेस्ट करें तो आपको बाकी टाइम कंज्यूम हो जाएगा जो बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर लगना चाहिए. जो आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, आपने उसको रिवाइज कर लिया है, रिवाइज करते टाइम आप जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उनका अच्छे से मार्क कर दें, नीट एंड क्लीन विद रूलर. टेक ब्लैक पेन और पेंसिल और रूलर के साथ आप एक लाइन मार दें ताकि जो चेकर है उसकी इस पर आँख जाए, तो उसको पता लगे कि इस पैराग्राफ में बेसिकली क्या समझाया गया है. जो आपके स्टार्टिंग के 15 मिनट्स आपको मिलते हैं रीडिंग टाइम, उसमें मैं आपको ये बोलूँगी कि आप उसमें पूरा पेपर जो है उसको ना पढ़ें, बिकॉज उससे क्या होता है अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, आपको डाउट है, तो आप उस टाइम टेंस हो जाओगे कि मुझे वो तो आता नहीं, आपका ध्यान उस पर ही रहेगा. सो इट्स बेटर कि जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स हैं आप उसको कॉम्प्रिहेंशन पे यूटिलाइज़ करो, रीड द कॉम्प्रिहेंशन, उसके क्वेश्चंस अच्छे से मार्क कर लो, एंड देन आप अगर आप लास्ट में से पेपर शुरू करोगे, जैसे आप नॉवल से शुरू कर रहे हो या आप लैंग्वेज पार्ट से शुरू कर रहे हो, तो पेपर के एंड तक आते आते आपको ये नहीं होगा कि मुझे भी कॉम्प्रिहेंशन भी रीड करना है, क्योंकि उसको टाइम, वो टाइम कंज्यूमिंग है. सो अगर 15 मिनट्स में उस चीज़ को कर लोगे तो वो आपके लिए आगे जाके हेल्पफुल रहेगा. फॉर्मेट्स अच्छे से याद होने चाहिए सारे राइटिंग टास्क के. हर क्वेश्चन के बाद लाइन ड्रॉ करनी है, ये भी आपका पेपर ख़त्म होने के बाद का प्रोसेस है. सो 10th में जो हमारे मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं वो मैथ, साइंस एंड SST, यही सब होता है. साइंस में मेजरली बात करूँगा फिजिक्स की, तो काफ़ी बच्चों का फोबिया होता है फिजिक्स, बट यार आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी बाकी लोगों के बाकी सब्जेक्ट्स की तरह एक सब्जेक्ट ही है. आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, आप जो फॉर्मूलाज हैं आप उनको अच्छे से याद करें, जो फॉर्मूलाज में हर फॉर्मूला जो वेरिएबल्स हैं आपको पता होना चाहिए इनको हम कैसे मोल्ड करके कैसे इनके आंसर्स निकाल सकते हैं. 4-5 दिन पहले तक आप क्या करें कि जो अगर आपको नहीं आता ना कुछ, अगर आपको सपोज़ आपको कोई फॉर्मूला नहीं आता है, आपको नहीं पता कि उसको मैं कैसे अप्लाई करूँ, सो उसको छोड़ दो प्लीज़, बिकॉज 4-5 दिन आपके पास वो टाइम नहीं है कि अब आप उनको अच्छे से उनको करने लगोगे, उनको सीखने लगोगे, बिकॉज फिर जो आपको आता होगा आप उसको भी ख़त्म कर दोगे उस तरीके से. इतना आपको आता है आप उतना उसको इतना पक्का कर लो कि अगर वो एग्ज़ाम में आए तो आप उसमें से फुल स्कोर करो. मैथ्स आता है, मैथ्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने NCERT 2-3 बार आप कर लें, और जब 4-5 दिन पहले तक आप क्या कीजिए कि आपको, आप हर क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं होता, सो आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपने एक चैप्टर ओपन किया उसमें काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, तो आपने हर एक्सरसाइज में काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो आपने एटलीस्ट 1-2 पार्ट कर लिए, और जो आपको लगता है कि यार ये तो ईजी है
आई एम प्रो एट दिस, सो आप उसको मत कीजिए. आप उसको पेपर से जाने से पहले एक बार जस्ट लुक ओवर इट, बट आप उन चीज़ों को ज़्यादा कीजिए जो आपको लगता है कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट्स हैं, मुझे इनमें प्रैक्टिस बार बार करनी है. सो आप उनको ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए. सैम्पल पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए. CBSE की साइट पे सैम्पल पेपर्स होते हैं प्रीवियस ईयर्स के, आप उनको सॉल्व करके देख लें. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार इसी बात पर स्ट्रेस कर रही हूँ कि आप 3 घंटे का टाइम बैठें और उसको घर पर बैठ के सॉल्व करें. अपना आप वैसा इन्वायरमेंट बना लें अपने अराउंड प्रॉपर पेपर वाला. आप बोल दीजिए, अपने पेरेंट्स को बोल दीजिए, या अपना खुद टाइमर सेट कर लीजिए कि हाँ मुझे 3 घंटे का पेपर सॉल्व करना ही करना है विद अ टाइम कॉन्स्ट्रेंट. जो पेपर में हम जैसे करते हैं 15 मिनट्स हम एक्स्ट्रा मिलते हैं पेपर रीड करने के लिए, तो आप वो भी कीजिए. 15 मिनट्स पेपर रीड कीजिए एंड देन यू स्टार्ट विद 3 आवर्स. देन वी हैव SST. यार हिस्ट्री का ही बोलते हैं कि यार बहुत बोरिंग लगती है हिस्ट्री, कैसे पढ़ें हम. बट अगर आप एक पॉइंट से देखें तो वो इंटरेस्टिंग है. अब हम मूवीज़ देखते हैं, जोधा अकबर हो गई, ये सब मूवीज़ हैं. देन वी हैव बाजीराव मस्तानी. ये सब मूवीज़ हम इंटरेस्टिंग लगती हैं देखने में कि यार, क्योंकि उसमें एक्टर्स होते हैं, वो एक विजुअल है. तो अगर आपको ये चीज़ है कि यार मुझे बहुत बोरिंग लगता है, मैं क्या रीड करता रहूँ, सो YouTube पे बहुत सारी वीडियोस होती हैं, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स होते हैं, आप उनके थ्रू पढ़िए. पर ये नहीं कि मतलब वो देखते देखते कुछ और ही देखने लग जाओ. सो इट्स बेटर कि आप अपने आप पे वो कंट्रोल रखें कि मुझे ये चैप्टर में डिफ़िकल्टी है, मुझे बोरिंग लगता है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ. यू गो टू यूट्यूब, सर्च फॉर द चैप्टर एंड आप उसको समझें. वहाँ पर जाके आप कुछ फन स्टोरीज टाइप बना के कर सकते हैं उसको. जो बहुत सारे एम्परर्स के नाम होते हैं तो आप उनको अपने फ्रेंड्स के नाम रख लो, या कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी टाइप बना के आप उसको लर्न कर लो. डेट्स होती हैं उनके लिए, आप अपने चैप्टर में क्या कर सकते हैं, जैसे 4-5 दिन पहले भी आप ये चीज़ कर सकते हैं. जैसे आपने छोटे छोटे हमारे पास स्लिप पैड्स होते हैं, अपना जो चैप्टर है बुक में क्या करें, जो जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उस चैप्टर में आप उनको लिख लें और उस टिक नोट को आप अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में लगा दें, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आप वो डेट्स इंपॉर्टेंट आप उनको वहीं से पढ़ें, रादर देन कि आप पूरे चैप्टर में उसको आप ढूंढने लगें. सो 10th के लिए यही सब था. आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप सारे सब्जेक्ट्स में, जो आपको टिप्स दिए, आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे एंड आप इसी तरीके से प्रिपेयर करें. प्रिपरेशन टिप्स मैं वीडियो के एंड में ज़रूर दूंगी, तो आई थिंक यू शुड वेट फॉर दैट और यू कैन जस्ट स्किप, क्योंकि मैं 12th के बारे में बताने वाली हूँ. सो 10th के बच्चे स्किप भी कर सकते हैं, वो सुनना चाहें तो वो सुन भी सकते हैं, दैट्स देयर विश कम्प्लीटली. मैं 12th कॉमर्स के लिए बताऊँगी क्योंकि वो मैं कॉमर्स स्ट्रीम की हूँ, सो मुझे उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है. मैं साइंस या किसी और स्ट्रीम का बता के आपको मिसगाइड नहीं करना चाहती, बिकॉज आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट. सो बेसिकली कॉमर्स में पता ही है कॉमर्स स्टूडेंट्स को कि हमारे 5 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन. मेरे पास फिजिकल एजुकेशन था, कईयों के पास मैथ्स भी होता है एज अ मेन सब्जेक्ट. मैं नहीं ले सकती मैथ्स बिकॉज इट्स मैथ्स. इन 5 में से बिजनेस वॉज माई फेवरेट. आई कैड रीड बिजनेस द कम्प्लीट डे एंड नॉट गेट टायर्ड. हमारे मैम इतने अच्छे थे कि हमें प्यार हो गया बिजनेस स्टडीज़ से. सो बिजनेस स्टडीज़ में हमारे बेसिकली केस स्टडीज़ होती हैं. सो मैं आपको यही बोलूँगी कि 4-5 दिन पहले तक आप क्या करें कि जैसे हमारे फीचर्स होते हैं या प्रोसेसेस होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, तो आप उनके लिए कीवर्ड्स बना लें. बिजनेस में क्या होता है, हमारे फीचर्स ऑलमोस्ट हर चैप्टर के सेम ही होते हैं. फंक्शंस, जो हमारे 5 फंक्शंस हैं, उनके फीचर्स कहीं ना कहीं मिलते हैं, इंटरलेटेड हैं. सो इट इज़ नॉट दैट टफ. केस स्टडीज़ के लिए मैंने काफ़ी बुक्स रेफ़र करी थी. मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप काफ़ी बुक्स रेफ़र करें या फिर आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं. हमारा जो पूरा पेपर है वो केस स्टडी से फिल्ड ही आता है. डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं बट दे वेरी रेयर. सो दिस वाज फॉर बिजनेस. देन वी कम फॉर अकाउंट्स. अकाउंट्स मेजर फोबिया होता है बहुत सारे बच्चों का, बट यार उसमें फोबिया वाली कोई बात नहीं है, बस हमारे दिमाग में ये वो चीज़ क्या, इतनी सारी कैलकुलेशंस हैं, हम कैसे करेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं होता. आप प्रैक्टिस करो. अगर आपको लगता है कि यार ये जो टॉपिक है ये मुझे नहीं आता है अभी, तो अभी आपके पास टाइम भी नहीं है उसको समझने का. सो इट्स बेटर कि आप उसको फॉर द मीन वाइल आप छोड़ दें. आप जो चीज़ें आपको आती हैं आप उन पर ज़्यादा फोकस करें, ताकि आप उन पर आप फुल स्कोर कर सकें. वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अकाउंट्स की प्रैक्टिस करें तो आप कैलकुलेटर का यूज़ ना करें, बिकॉज एग्जाम में तो आपको इवेंचुअली कोई कैलकुलेटर मिलने नहीं वाला ना, और उसका आपको डिसएडवांटेज ही होगा. आपको घर पर लगेगा कि यार मैं कर लूँगा वहाँ पर जाके उसमें क्या है, बट नहीं, वो आपकी स्पीड को इफेक्ट करेगा. क्योंकि अगर आपको घर पर आदत लगी है कैलकुलेटर की तो वहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे अच्छे से. कभी सैम्पल पेपर ज़रूर सॉल्व करें. अकाउंट्स अगर आपको लगता है कि आपका फोबिया है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप
जैसे आप अगर सपोज आपका बिजनेस का पेपर है तो आप क्या करें कि अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप 3 घंटे दिन में ज़रूर निकालें अकाउंट्स का पेपर सॉल्व करने के लिए. अगर आप रोज़ अकाउंट्स का पेपर सॉल्व करेंगे इट विल हेल्प यू अ लॉट. और अकाउंट्स के पेपर में भी प्लीज़ पेपर ना रीड करें पहले, प्लीज़ डू नॉट रीड इट. या अगर आपको रीड करना भी है तो आप क्या करें कि आप एंड पे चले जाएं, एंड के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें. जैसे जो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है सॉल्व कर लें पीछे से. मतलब वो अलाउ तो नहीं करते आपको पेंसिल ऐसे लिखना ज़्यादा, बट जस्ट टेक ए लिटल आइडिया कि आपको क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी है, कौन कौन से आपको अकाउंट्स बनाने हैं एंड कैसे है. पता है क्या, मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज बता तो रही हूँ बट देर इज़ नथिंग मस्ट टू टेल. सबके लिए सेम ही होता है. देर आर नॉट सम हाई फाई टिप्स. हम लोग टिप्स सुनते रहते हैं अपने टीचर्स से भी, बट द थिंग इज़ कि हमको इम्प्लीमेंट करना भूल जाते हैं. तो अब प्लीज़ इम्प्लीमेंट करें इन टिप्स को अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं. अब प्रिपेयर कैसे करना है आपको, जैसे अपना इट्स इम्पॉर्टेंट कि अपना मॉर्निंग पर्सन बने. बिकॉज क्या होता है ना कि मतलब 10th तक मैंने ये किया था कि मैं पढ़ती रात तक थी. आई यूज टू लेट, मतलब मैं रात तक लेट पढ़ती थी. बट देन 12th में मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं मॉर्निंग पर्सन बनती हूँ, मैं मॉर्निंग सुबह जल्दी उठ के पढ़ती हूँ तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है. हाँ, आपको नींद आ रही होती है थोड़ी, तो उसके लिए आप क्या सकते हैं, अब जैसे आपका अलार्म बजे या कोई उठाने आता है एकदम से उठ जाएं, जस्ट गो आउटसाइड, गेट फ्रेश ब्रेथ और उसके थोड़ा स्ट्रॉल कर लें इधर उधर, थोड़ा नाच नूच सा लें ताकि थोड़ा आपको आँखों के खुल जाएं, अच्छे से छींटे मार लें अपनी आँखों में. एंड देन अगर आपके पास स्टडी टेबल है तो स्टडी टेबल पे, या फिर आप अपने घर के बाहर चेयर रख के, अगर आप ब्लैंकेट में दोबारा घुसेंगे ना तो आप नहीं पढ़ पाएंगे. दैट्स माय गारंटी. आपको नींद आनी ही आनी है. मेक टाइम टेबल्स, मेक नोट्स. अभी तो आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, बट अगर आपको ऑनलाइन कहीं से कुछ नोट्स मिल जाते हैं बने बनाए सो आप उनको ज़रूर रेफ़र करें. सो वन मोर थिंग कि आप ज़्यादा देर कंटिन्यूसली बैठ के ना पढ़ें, बिकॉज आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है कि आपका जो माइंड है, आपको लग तो रहा है कि यार मुझे सब समझ आ रहा है बट वो ग्रैस्प नहीं कर पाता. इट रिक्वायर्स अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ब्रेक्स. मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 1.5 घंटे के लिए पढ़ें बैठ के. फॉर 1.5 आवर्स यू स्टडी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, देन एटलीस्ट टेक लाइक 15 और मे बी हाफ एन आवर ब्रेक, देन यू गेट बैक टू इट. और आप क्या कर सकते हैं, जैसे जब आप हाफ एन आवर के ब्रेक के बाद वापस आए, जस्ट टेक अ क्विक रीकैप ऑफ आपने क्या पढ़ा था पहले एंड देन यू गो टू द नेक्स्ट थिंग. उससे क्या होगा कि आपको जो पहला वाला पार्ट है वो इसे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. ये टिप्स मैं आपको दे रही हूँ दे आर वेरी प्रैक्टिकल. आप ये मत सोचिएगा कि यार ये ऐसे ही बता रही है. मैंने ये सब कुछ अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया है, मैं तभी आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें इफ़ेक्टिव लगती हैं. कॉफ़ी इज़ वन थिंग विच विल बी लाइक द बेस्ट थिंग फॉर यू ड्यूरिंग दीज एग्ज़ाम्स. मैंने कॉफ़ी बहुत पी है अपने 12th बोर्ड्स में, अपनी 10th क्लास में, इवन 11th में भी. एग्ज़ाम्स के टाइम पे इफ़ यू वांट टू गेट अप अर्ली और यू वांट टू स्टे अप लेट तो कॉफ़ी इज़ अ मेजर हेल्प. बिजनेस स्टडीज़ में आपको ये बोलूँगी कि जब आप पेपर को रीड कर रहे हो ना फर्स्ट 15 मिनट्स में, सो अगर आप क्वेश्चन पढ़े तो आप अंडरलाइन कर लो कि यार ये पॉइंट इज़ अ हिंट फॉर एन आंसर. उसको अंडरलाइन करो जाके जब आप उस क्वेश्चन पे वापस आओगे तो आपको पता होगा कि यार मुझे इस पे स्ट्रेस करना है और इसके रिगार्डिंग मुझे आंसर सोचना है कि ये कौन से टॉपिक में से लिया गया है. सो आप ये करें फर्स्ट 15 मिनट्स में. सो आई होप कि मेरे ये टिप्स आपको किसी काम आएंगे एंड आई एम श्योर यू विल फॉलो देम वेरी प्रॉपरली. ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड. आई होप कि आप फ्लाइंग कलर्स से पास हों. एंड अगर आप और कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं सो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए. आई विल श्योरली आंसर देम. एंड ऑल द बेस्ट. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय मॉम्स चैनल. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी टिप्स मिल पाएँ. सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी.